तो गाइज अभी मैं आया हूँ जयगढ़ किले में। किला तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो गाइज यहाँ पर है सबसे बड़ी तोप, वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसी से अंदर होते थे तो हम कहते थे जयपुर में आ गए, जयपुर में पुराना जयपुर। ये मुझे लगता नहीं है कि मेरे अलावा पूरे फोर्ट में कोई होगा। टाइमिंग ख़त्म होगी तो मैं सनसेट नहीं देख सकता यहाँ से। सो गाइज अभी मैं आया हूँ जयगढ़ किले में। 170 रुपये की टिकट ली है, 20 रुपये की पार्किंग की टिकट है एंड 150 रुपये किले की। एंड मैंने अभी गाइड नहीं किया क्योंकि लास्ट टाइम मैंने गाइड किया था नाहरगढ़ फोर्ट में, मैं काफ़ी ज़्यादा पछताया था घर पर आके, बट इस बार गाइड नहीं लिया। तो गाइस धूप है, मैंने सोचा थोड़ा और घूम लेता हूँ। तो आगे जयगढ़ किले में ये देख लो, एंड आपको भी दिखाता हूँ एंड मैं भी देखता हूँ। बाकी इतनी भीड़ नहीं है दोपहर के टाइम में, इतनी भीड़ नहीं रहती यहाँ पर। एंड यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी तोप है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल चलते हैं अंदर। एंड ये कुछ ऐसा, अंकल जी ऊपर जाने का रास्ता ये जा रहा है क्या? सो गाइस अभी अपने को वहाँ से जाना पड़ेगा। मज़ा आ रहा है वैसे अकेले घूमकर। किला तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। एंड पानी की बोतल ले लेता हूँ, एक प्यास लग रही है। ये तो ख़त्म हो गई। एंड मैंने मंदिर से पानी भरा था थोड़ा सा, वो भी गर्म हो गया, मतलब गर्म ही था, ठंडा तो नहीं था। एंड यहाँ से ले लेते हैं एक पानी की बोतल। तो गाइस पानी की बोतल ले ली है, एंड ये वाली पानी की बोतल डस्टबिन में गिर देते हैं। चलते हैं अंदर की ओर। एंड हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है, शायद आपको मेरी आवाज़ ना आ रही हो। तो सामने नाम लिखा है जयवान तोप। अब कहाँ पर जाना है भाई, थोड़ा सा पानी पी लूँ भाई। एंड गाइस ये देखो, मैं यहाँ पर ट्राईपॉड रखने वाला था। थोड़ी सी नॉलेज होती तो इस किले के बारे में और भी मज़ा आता, बट यार 100 रुपये ले रहे हैं गाइड का। ऊपर चल के देखते हैं यहाँ पर। ये पीपल का पेड़ है शायद। तो गाइस कमेंट करके बताना आपको व्लॉग कैसा लग रहा है। एंड मैं भी फर्स्ट टाइम अकेले आया हूँ, वैसे मैं आता नहीं अकेले, कहीं पर भी मैं अकेले नहीं निकलता, यहीं पर ही अकेले आया हूँ। तो गाइज़ यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कम भीड़ है, कुछ पता भी नहीं लग रहा कहाँ पर जाऊँ। मुझे लगता है 170 रुपये वापस से बर्बाद हो गए। मतलब तो काफ़ी ज़्यादा शांति है। ये पेड़ चेक करो गाइज़ कितना छोटा सा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो इसकी जड़ शुरू होते ही ख़त्म हो रही है। अंकल जी ये गेट है क्या, यहाँ से गाड़ी वगैरह आ रही है? ये तोप का है। सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? ये ऊपर ही, इस पर ही है। तो गाइज यहाँ पर है सबसे बड़ी तोप, तो चलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे मेन मोटिव तो बड़ी तोप देखने का ही था। तो गाइज ये है मेरे पीछे दुनिया की सबसे बड़ी तोप, काफी ज्यादा बड़ी है, मतलब इतने बड़े बड़े तो इसके पहिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी तोप एंड क्या नाम है इसका, जयवान तोप। एंड मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पर है ना जयपुर सिटी है, जो भी नई बसी है, मतलब अभी तो नहीं काफ़ी पहले से, एंड उससे पहले की यहाँ पर जयपुर सिटी है। क्या नाम है? उदय व्लॉग्स। उदय व्लॉग्स, उदय व्लॉग्स जी। एंड गाइज यहाँ से है खिड़की। अभी
अभी जैसे आमेर से रिटर्न में आते हो तो एक गेट आता है, उसको बोलते हैं घाटी गेट। अच्छा। वो गेट बंद हो जाता तो आमेर की जो बाउंड्री वॉल से जो मैंने आपको बताया वहां से स्टार्ट होती है और वहां पे मेन रोड पे जो दीवार उतर रही था वहां पे भी एक गेट था, ये दीवार थी पूरी। अच्छा। उसके राइट साइड में गेट है, तो मतलब कि इसी से अंदर होते थे तो हम कहते थे जयपुर में आ गए। जयपुर में पुराना जयपुर यही है, जयपुर यही था। मतलब अभी 41 नंबर के राजा हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इनमें से जो 26 राजाओं के 700 साल तक राजधानी हुआ करती थी वो आमेर हुआ करती थी। अच्छा। क्योंकि जयपुर तो बाद में बना 1727 में, तो यहाँ के राजाओं की राजधानी बाद में हुआ। तो गाइज अभी मैं जा रहा हूँ सामने की ओर, सामने की ओर से ना आमेर फोर्ट दिखता है जहाँ पर मैं पहले भी गया था, एंड वहाँ से आपको दिखाता हूँ आमेर फोर्ट। थोड़ा बहुत अंकल ने पीछे ज्ञान दिया हमें। तो गाइज ये वाला जो झंडा है ना वहाँ पर खड़े होकर दिखेगा आमेर फोर्ट। तो गाइज मेरे पीछे है आमेर फोर्ट एंड मैं आपको दिखाता हूँ, इतनी भीड़ नहीं है, वो देख लो सामने है छोटा सा। एंड जब मैं आया था लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जितने भी है ना फोर्ट है मतलब आपस में इनका कोई लिंक है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब ये देखो जैसे ये आमेर फोर्ट साइड में ये जयगढ़ फोर्ट है, इसके आगे नाहरगढ़ फोर्ट है। गाइस ये वाली जो आप वॉल देख रहे हो ना ये वॉल नहीं है, ये पूरा रूम है, इसके अंदर लोग रहते हैं। मतलब एक आंटी बैठे थे बाहर मंजिल गाकर, तो यहाँ से निकलते हैं, ये पतला सा रास्ता है। तो ये हम बाहर आ गए, यहाँ से मैंने पानी खरीदा था यहाँ से। तो गाइस इतना ही था ये तो, एंड थोड़ा सा और है वो उस साइड में है तो वहाँ चलते हैं। एंड मुझे लगता है ये ब्लॉग शायद दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, तो देखते हैं कितना बड़ा बनता है उस हिसाब से कर लेंगे। तो गाइस अभी मैं जिस जगह पर चल रहा हूँ ना यहाँ पर पानी हार्वेस्टिंग करके इसमें पानी इकट्ठा करते हैं, करते थे सॉरी। ये देख लो इतनी बड़ी टैंकी है, उसके ऊपर ही मैं चल रहा हूँ। ये जितने भी है सारी टैंकी है। तो गाइस ये देख लो, इसको पढ़ लेना आप, एंड इसके अंदर पानी भरा हुआ है। अंकल इसके अंदर पीने का पानी है क्या? नहीं, वैसे पहले के ज़माने के लोग यहाँ से पीते थे पानी। तो देखो मैंने नाहरगढ़ भी घूम लिया, आमेर फोर्ट भी घूम लिया, ये क्या नाम है इसका जयगढ़ भी घूम लिया, तो तीन फोर्ट तो मैंने घूम लिए। एंड अभी जा रहा हूँ घर पे, बाकी धीरे धीरे घूमते रहेंगे। अगर मैं सुबह आता ना सुबह हालत ख़राब हो जाती, इस टाइम इतनी गर्मी नहीं होती, तो मेरा डिसीजन सही रहा 3 बजे आने का। तो गाइज मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी प्रभु भाई हमको 1 महीने के लिए व्लॉग में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो गया 1 महीने के लिए अपने काम, उनकी शादी है 10 तारीख को, मुझे भी जाना पड़ेगा। मैं शायद 8 या 9 को जाऊँगा, तो वो देखते हैं क्या होता है, मेरे एग्ज़ाम वगैरह भी है, शायद कैंसिल ही ना हो जाए शादी में जाना। तो गैस ये आपको नाली से दिख रही है ना, इसमें पानी आता था बारिश का एंड सीधा इसमें जाता था। जितनी बातें मैंने मतलब दूसरे गाइड से सुनी वो किसी और को बता रहे थे, एंड मैं थोड़ा थोड़ा मतलब सुन रहा था तो मुझे याद रह गया, तो मैं आपको बता रहा हूँ अब। यार यकीन नहीं हो रहा मैं अकेले मतलब अकेले आ गया इतनी दूर, अंदर से खुशी हो रही है। तो गैस अभी मेरा जाने का मन तो नहीं कर रहा, बाकी सनसेट देखने का मन कर रहा है, तो देखते हैं थोड़ी देर और रुक जाते हैं, अभी टाइम देखता हूँ फिर आपको टाइम के हिसाब से बताता हूँ आगे प्लान क्या है। 5:30 बज गए बट अभी लग ही नहीं रहा 5:30 है, धूप तो काफ़ी तेज़ हो रखी है, बाकी बैठते हैं। तो गैस अभी मैं ट्राईपॉड रख रहा हूँ बैग में, बिकॉज मुझे अभी जितनी ज़रूरत थी ट्राईपॉड की मैंने उतना शूट तो कर लिया है। मोबाइल का कवर लगा लेते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं यहाँ पर एंड सनसेट देख ही चलेंगे। वैसे मैंने आपको तो दिखा दिया, मैं भी देख लेता हूँ। मतलब क्या होता है कि जब हम व्लॉग बना रहे होते हैं ना शांति से देख नहीं पाते, मतलब सारा फोकस अपना वीडियो बनाने में होता है कि बढ़िया बढ़िया शॉट्स आ जाएं, एंड इस चक्कर में देखना भूल जाते हैं। तो मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत मैं भी एंड पढ़ लेता हूँ। तो गाइस अभी मैं रील बनाने आया था, वापस आया था टॉप के पास, एंड टाइमिंग ख़त्म हो गई तो मैं सनसेट नहीं देख सकता यहाँ से। वैसे रील मेरी बन गई एक 20 की है अंकल की, चलो दे दो। तो गाइज अभी मैंने ये स्टिंग ली एक, एंड यहाँ पर 25 रुपये की दी है अंकल ने, तो मैंने ले ली यार,
क्या ही बहस करनी। तो गाइस अभी मुझे इसकी ज़रूरत है, इसे मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मैंने ले ली 25 की। फिलहाल अभी इसे पीते हैं एंड चलते हैं घर पर। तो गाइस अभी मुझे लगता नहीं है कि मेरे अलावा पूरे फोर्ट में कोई होगा, सिक्योरिटी को छोड़ के एंड शॉपकीपर को छोड़ के कोई भी नहीं है, पूरा फोर्ट खाली पड़ा है। एंड मैं ये ऐसे घूम रहा हूँ आत्मा की जैसे, अगर सोचो अगर मैं यहाँ पर रात को बंद हो गया, बाहर से गेट बंद कर दिया तो क्या ही होगा, हार्ट अटैक से ही मर जाऊँगा मैं तो। बाकी ये समझ नहीं आ रहा पीछे क्या चीज़ है, पत्थर से हैं काफ़ी बड़े बड़े से। बट गाइज सोलो ट्रैवलिंग करके अलग ही मज़ा आया, अलग ही एक्सपीरियंस मिला। बाकी स्टिंग भी ख़त्म हो गया। तो गाइज अभी मैं एक मस्त सी लोकेशन पर रुका हूँ, यहाँ से पहाड़ दिख रहे हैं काफ़ी बढ़िया एंड मैं आपको दिखाता हूँ। सर्दियों में आने का अलग ही मज़ा है, मतलब उस टाइम थोड़ा बढ़िया दिखते हैं पहाड़, गर्मियों में तो सूख जाते हैं। एंड थोड़ा सा और देख लेते हैं फिर चलते हैं। तो गैस आज है नेक्स्ट डे और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो गैस जैसे कि आपने देखा व्लॉग में, ये मेरा फर्स्ट सोलो ट्रिप था एंड गैस कोई प्लान भी नहीं था अकेले जाने का एंड सब ऑन द स्पॉट ही हो गया। प्रभु ने एंड टाइम पर ही मना कर दिया तो मुझे अकेले जाना पड़ा। पता नहीं मुझे एकदम से मन में क्या हुआ, फिर मैं अकेले निकल गया। एंड गैस कहते हैं ना जो होता अच्छे के लिए होता है, अगर मना आ जाता तो मैं एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाता वो वाली चीज़। एंड गैस मैं बनाने तो हथनीकुंड का व्लॉग गया था एंड बन कुछ हो ही गया। बट गाइज वहाँ पर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था हथनीकुंड, क्योंकि हथनीकुंड जाने का फ़ायदा तब है जब बारिश हो रही हो, तभी वाटरफॉल देखने को मिलता है और बारिश के दिनों में पूरा हरियाली होती है वहाँ पर। तो बारिश के दिनों में तो चलेंगे किसी और दिन। एंड गाइज मैं कल घर पर आ गया था तो घर पर आती लाइट चली गई, इसलिए मैं व्लॉग नहीं बना पाया। फिलहाल गाइज इस व्लॉग को करते यही पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज कमेंट जरूर कर देना व्लॉग कैसा लगा आपको। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।